मैं मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व टोडरमल जी साहब ने पहले ही खंडित कर दिया है। ऐसा होने पर भी जो वे ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता मानते हैं, विष्णु को सृष्टि का रक्षक मानते हैं तथा महेश को सृष्टि का संहारक मानते हैं, उसमें किस प्रकार दूषण आता है वह बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। पहले तो अस्तित्व ही का निषेध किया, फिर अस्तित्व माने भी यदि कदाचित तो कैसे संभव है वो उसका भी, आगे जाकर भी किस प्रकार ये तर्क युक्ति से बात नहीं बैठती है उसका भी खुलासा करते हैं। महेश की चर्चा हमारी चल रही है जिसमें हमने देखा था, पहला प्रश्न पूछा कि यदि क्षण क्षण संहार करता है कि कभी कभी महाप्रलय के काल में ही संहार करता है, यदि क्षण क्षण संहार करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा के कारण पूजा अर्चा की थी उसी प्रकार संहारक महेश की निंदा होनी चाहिए क्योंकि परस्पर विरुद्ध कार्य है। फिर आगे बात आई थी संहार करता है या अपने अंगों से करता है या किसी को आज्ञा देकर करता है या स्वयं इच्छा बस करता है और फिर अपने आप हो जाता है संहार, क्या होता है ये बातें कल हमने देखी थी और उसको कोरिलेट भी करके दिखाया था आपको याद होगा तो ठीक है। तो और फिर आगे पूछते हैं और परम ब्रह्म के की इच्छा थी कि नहीं इसमें शामिल, तो परम ब्रह्म की यदि इच्छा इसमें शामिल थी महेश के साथ साथ तो परम ब्रह्म के भाव भी दूषित हुआ बिना नहीं रहे, क्रोध मान माय लोभ रूप उसकी भी प्रवृत्ति हो ही गई तो कैसे उसके पूज्यपना रहेगा, उसका निर्विकारीपना सर्वज्ञतापना कैसे रहेगा, ये कौन सा पॉइंट में आएगा ये आपको बताना है। अपन पहले पढ़ते हैं, मीन वहल आप सोचते रहिए, ये पूरे पैराग्राफ पढ़िए, वैसे 108 का अंतिम पैराग्राफ और 109 का पहला पैराग्राफ, और आपको बताना है कल हमने क्या क्या मार्किंग कराई थी और अभी उसमें कुछ बढ़ने की गुंजाइश है क्या। हाँ भाई पढ़ो दीपेश। राइट, बहुत अच्छा, संहार कैसे करता है। बराबर, आप ऐसे भी करके रख दीजिए, पहले पैराग्राफ के पास लिख दीजिए कब क्वेश्चन मार्क और यह इस क्वेश्चन मार्क के बाद कैसे, बहुत अच्छा, क्योंकि कब में उन्होंने दो प्रश्न पूछे, क्षण क्षण करता है कि महाप्रलय के काल में करता है। जैसे पुरुष हस्तादि से किसी को मारे या हाँ, मारे, उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करता है, ये एक पॉइंट, या आज्ञा से मराता है, ये भी पॉइंट। राइट, बहुत क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है, यह कैसे कैसे अंगों से किस किस को आज्ञा देकर ये ए एंड बी का खंडन हुआ तुरंत, ठीक है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना जानना देखना जीव का स्वरूप है, तो कह रहे हैं छद्मस्त क्रमशः जानता है, केवली युगपत जानते हैं, यदि तुम कहोगे इंद्रियों से जानते हैं केवली संपूर्ण लोकालोक को तीन काल को कैसे संभव है, कह रहे हैं जिस समय में एक को जानेंगे दूसरे को कैसे जानेंगे, वो तो अतिंद्रिय से ही संभव है। जिस प्रकार ज्ञान में हम कहते हैं ना तर्क लगाते हैं कि युगपत
वो अतिंद्रिय से ही संभव है, इंद्रिय से युगपत संभव ही नहीं है, नहीं तो आगे पीछे जानता है ना इंद्रियों से। तो उसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने सृष्टि की रचना में भी ये बात रखी थी, आगे पीछे करता है, और फिर कर संघार में भी या आगे पीछे करता होगा, स्वयं करता होगा और आज्ञा देता होगा, तब भी एक साथ सबका निरंतर हो रहा कैसे संभव है। बोलिए पढ़ो। अपने अंगों ही से संघार करता है कि इच्छा होने पर स्वयं भी संघार होता है। हाँ, यदि अपने अंगों से संघार करता है तो सबका एक साथ संघार कैसे करता है। हाँ, तथा किसी इच्छा होने पर संघार करता है तब इच्छा तो परम मन की थी। हाँ, इसने संघार क्यों किया। कंटिन्यू। तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं उसका संघार होता है तो उसके उस सदाकाल मारने रूप दुष्ट परिणाम भी रहा करते होंगे। और अनेक जीव जीवों के एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती है। तथा यदि महाप्रलय होने पर संघार करता है तो परम ब्रह्म इच्छा होने पर करता है। ये सी पॉइंट कौन सा लिखना है, उसकी इच्छा से स्वयं में उनका संघार होता है, पहली लाइन वाला इसी पैराग्राफ। स्वयं में अपने रिद्धिधारे वालों का लिया था ना वहां पर, तो वो मात्र इच्छा करते और स्वयं में होता है, ऐसे स्वयं में की बात आ गई ना यहाँ पर, तो ये सी पॉइंट में ये आने वाला है। हाँ बढ़िया। तथा यदि महाप्रलय होने पर संघार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा ही करता है। यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ। सर्व का प्रलय करने की इच्छा हुई क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती, और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम क्रोध है जो कारण बनता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बढ़ेगा क्या आगे, पॉइंट्स जो अपन बना रहे उसमें कुछ आगे बढ़ पाएगा क्या। वहां पर डी पॉइंट कौन सा था, चार पॉइंट्स कौन से थे वहां पर ब्रह्मा के प्रकरण में। बोथ राइट, मतलब दोनों की इच्छा है कि नहीं, और दोनों की इच्छा है लगती है दोनों की सिग्नेचर, फिर महंतपन और शक्ति का प्राबल्य कैसे कहे इसको, शक्तिहीनपन प्रकट हुआ ये। तो यहां पर भी ये डी से मिलता जुलता पॉइंट दिख रहा है आपको इसमें, कि परम ब्रह्म की साथ साथ करता है कि उसके बिना करता है। यदि साथ साथ करता है तो उसकी इच्छा तो वैसे खूब क्रोध रूप हुई परम ब्रह्म की, तो परम ब्रह्म के साथ की बात यहाँ पर ले ली, तो इसलिए इसको डी के अंतर्गत डाला जाए। आप समझ रहे हो, बस वहां पर शक्तिहीनपना दिखाया था क्योंकि वह सृष्टि के करने की बात थी, यहाँ पर संघार की बात थी इसलिए क्रोध बने की बात की। ठीक है, क्योंकि सृष्टि की रचना करना कदाचित अच्छा माना जा सकता है, इसलिए टोडरमल जी साहब ने वहां पर कसाई नहीं कहा उनको, वहां पर कहा लेकिन ब्रह्मा तो शक्तिहीन हो गया, लेकिन यहाँ पर परम ब्रह्मा की भी आवश्यकता पड़ती इच्छा करने की, तब मालूम होता है कि वो इतना क्रोधी परिणाम करता है। ठीक है, देखिए आगे डी, और इसको सीधा इसके साथ और एक प्रकरण पढ़ते हैं हम नीचे से, तीसरा पैराग्राफ देखिए इसी का एक लाइन की। तथा यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संघार करता है तो यह परम ब्रह्म का वो ब्रह्म का विरोधी हुआ। आगे बात इसी से रिलेटेड, इसको कोरिलेट करके डाल दो आप। अभी कैसे करना है, मैंने तो लाइन खींची है कोरिलेट करने को, आप डी लिख सकते हैं चाहो तो आगे, तो आपको पकड़ में आएगा। क्योंकि प्रश्न क्या था कि परम ब्रह्म की इच्छा के बिना करता है कि इच्छा सहित करता है, यदि इच्छा सहित करता है तो भी गया, कैसे परम ब्रह्म ने ऐसी इच्छा कैसे की, और यदि उसके बिना करता है तो, यदि परम ब्रह्म की इच्छा के बिना ही महेश संघार करता है तो परम ब्रह्म का वो ब्रह्मा का विरोधी हुआ, दोनों में विरोध हो गया, तो ये भी कैसे संभव है। तो ये बात एक दूसरे जैसी है, चलते हैं आगे बोलते हैं। देखो फिर वो कहता है नहीं नहीं उनको क्रोधी ना कहो आप, परम ब्रह्म को उनकी इच्छा से भले ही हुआ होगा लेकिन ये सब खेल मात्र है, जैसे वहां पर कहा था ना कुतूहल के लिए किया है, यहां पर ये कह रहे हैं ये सब खेल मात्र में करते रहते हैं नाश विनाश। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुम खेल मात्र में संपूर्ण नाश करता है, खेल मात्र के लिए इतना अनिष्ट परिणाम, तो कह रहे हैं उत्पन्न नहीं क्यों किया फिर, पहले या तो बहुत भोला होगा तब किया होगा,
या हमको तो बहुत रागी द्वेषी ख्याल में आते हैं, ये साक्षीभूत कह रहा। साक्षीभूत तो उसका नाम है जो हो सो हो, तुम साक्षीभूत भी कहते हो एक तरफ से, और एक तरफ से अनिष्ट हुआ तो नाश भी कहते हो, साक्षीपना कैसे ठहरेगा? ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, अनितेश पढ़ो। ये अंडरलाइन करो, खेल बनाया, ये हेडिंग होगा इसका। परम ब्रह्म ने ये खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ। ब्रह्म का स्वरूप साक्षीभूत किस लिए कहते हैं? साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयं जैसे हो उसी प्रकार देखता जानता रहे। यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे नष्ट करे उसे साक्षीभूत कैसे कहें? क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना यह दोनों परस्पर विरोधी हैं, इनको दोनों संभव नहीं। अध्यात्म में भी कहा है, क्या कहा है बोलो? ज्ञाता है सो कर्ता नहीं, कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, और पूरा ज्ञानियों में भी ऐसा घटित करके दिखाया है, जैसे ईश्वर में घटित करके दिखा रहे हैं। बाहर से तो करते दिखाई दे रहे ज्ञानी, लेकिन कहते ज्ञाता है वो कर्ता नहीं, वो कर्ता ही नहीं है। अरे हमको दिखाई दे रहा है, तुमको जो चर्म चक्षु से दिखाई दिया वो श्रद्धान का स्तर नहीं दिखाई दिया, ना अनंत अनुबंधी का स्तर। हम वहां से बात कर रहे है कि वो ज्ञाता है, ठीक है, और जितना राग उसको है उसका तो करता है ही, और यहाँ पर तो ईश्वर को तो पूर्ण साक्षी मानते हैं, वो तो एक देश अंश का ऐसा कुछ नहीं माना है इन्होंने, इसलिए फंस रही है इसमें। ये बात हो गई, इसको आप मार्किंग कर दीजिए, तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए इसको। आगे यहाँ पर ये कहते हैं तथा परम ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई होगी, पहले तो ये इच्छा हुई थी, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ मुझे बहुत होना, इसलिए सृष्टि का उत्पाद किया था। अभी उसको ऐसा लगा होगा हम बहुत हो गए, अब फिर एक होना, इसलिए उसने संघार किया होगा, ऐसा ही है ना बोले? तो कह रहे ऐसा तो कोई भोलेपन में ही कोई अनुचित कदम उठाए और विपरीत निर्णय लेकर ऐसा कोई काम करे तो करे, पहले क्यों ऐसा किया फिर एक से ज्यादा? फिर पहले जैसे एक ही ठीक था तो ज्यादा करने का, ये तो जिनकी चंचल वृत्ति होती हुई ऐसा करते रहते कहते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग क्या डालेंगे? पहले पढ़े और फिर मुझे हेडिंग बताए, पढ़ो ऋषभ पैराग्राफ। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के पहले तो ये इच्छा हुई थी कि मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा, बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूँ सो कम होऊंगा। तो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उसी कार्य को दूर करना चाहे, बराबर भोलापन को अंडरलाइन करो। एको हम बहुत श्याम की जगह यह सूत्र क्या बन सकता है संस्कृत में बताओ? बोलो आप, मुझे संस्कृत के ख्याल में नहीं आ रहा ना कैसे बनेगा, बोलो। अनेको हम बनेगा क्या? अनेको हम और एकस्याम, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ संस्कृत में कोई गड़बड़ी नहीं है ना इसमें, पता नहीं आपको। अनेको हम एकस्या क्या एकस्याम, ठीक है। भोलेपन को तो अंडरलाइन किया ही है आपने, ठीक है। ये किसकी तरह है ये पॉइंट, कौन सा था वो पॉइंट पीछे सृष्टि के कर्ता में? बिल्कुल प्रारंभ का पॉइंट है, पहला ही पॉइंट। नंबरिंग बताओ ना मुझे, एक ओम बहुत श्याम वाले बिल्कुल प्रारंभ का प्रकरण, सृष्टि का उत्पाद वाला, बस इतना ही है क्या? आए कर दो फिर, आए क्या पेज है, पेज क्या है? 99 पर है, नहीं इसमें तो ए लिखा है, अच्छा वन आए नहीं है अभी इसमें, इसमें तो चलो आप तो हाँ सेकंड का ये था ये, अब देख लो आपने क्या क्या किया है, तो उस प्रकार मैंने कर दिया है। चलो ठीक है, आइए अपने प्रकरण में।
हाँ तथा, यदि ये हो गए ना अभी, ये पूरा हो गए। हाँ अभी आगे थोड़ा सा प्रकरण बढ़ता है, क्या कहते हैं देखिए। वैसे कल हमने पैराग्राफ पढ़ा है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लोक का संहार कैसे करता है, पढ़ा वाला ही है वैसे तो, पढ़ ही लो आप, प्रांजल पीछे पढ़ो इसको। फिर पूछते हैं, है? फिर पूछते हैं कब हो गया। अरे कल पढ़ा था, अभी पढ़ो ना फिर से, अभी कहाँ पढ़ा उसको। अपने अंगों से ही संहार करता है कि इच्छा होने पर शरीर में ही संहार होता है। हाँ यदि अपने अंगों से संहार करता ये वहां पर लिखते चलो, 2A लिखा ही होगा कल, और इच्छा होने पर स्वयं में, यहाँ क्या लिखोगे, 2C, राइट। हाँ यदि अपने अंगों से संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है। ठीक है बस बस देखिए, अभी नया प्रकरण चल रहा है। संघार यदि सृष्टि का किया तो सृष्टि का हुआ क्या कहते हैं, तो कहते हैं बाय टू हो गई पूरी सृष्टि, तो भक्त है वे सब ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म में आकर मिल गए, लीन नहीं अभी मिल गए, और बाकी के जो अभक्त कैटेगरी थी वो माया में आकर मिल गई। अभी यहाँ की तरफ बात चलेगी, प्रकरण समापन की तरफ है, ये यहाँ पर बोले है, एक ही लाइन है ये, पढ़ो भाई पढ़ो आप। फिर हम पूछते हैं कि संहार होने पर सब लोग सर्वलोक में जो अजीब थे वे कहाँ गए, तो वह कहता है जीवों में जो भक्त थे वे तो ब्रह्म में मिल गए, अन्य माया में मिल गए। अन्य मतलब कौन कौन रह गए इसमें, अभक्त भी और अजीव भी दोनों होंगे अभी इसमें, क्योंकि उसका प्रश्न था जीव अजीव कहाँ चले गए, जीवों में जो भक्त थे वे तो ब्रह्म में लग गए, अभक्त और अजीव ये सब माया में मिल गए। ये कौन सा पॉइंट हुआ, फिफ्थ पॉइंट है क्या, चलो अभी आगे सिक्स्थ पॉइंट देखिए। अब यहां पर प्रश्न पूछा है कि जब प्रलय हुआ तो माया मिली कि नहीं मिली ब्रह्म में, यदि नहीं मिली तो वो भी नित्य रही ब्रह्म जैसी, तो सर्वव्यापी अद्वैत क्यों कहते हो, अद्वैत नहीं कहना बनता यदि माया भी शेष रहेगी तो, और यदि माया का भी प्रलय मानते हो तो माया में जो मिले वो भी फिर ब्रह्म में आकर मिले ही हो गए ना, तो फिर मिले तो फिर क्या क्या हो गया कह रहे हैं, और फिर कह रहे यदि मिले तो वे अलग अलग रहे कि एक हो गए, यदि एक ही हो गए तो उनकी सत्ता का तो नाश ही हो गया, तो कह रहे फिर जब मिलना ही था ब्रह्म में सबको तो फिर मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का उपाय का क्या उचित रहा, बाय वन वे और द अदर यदि सबको उनमें मिलना ही है ब्रह्म में, तो फिर कोई पाप कर करके करो अथवा तो कोई आत्म साधना कर करके करो, भक्ति उपासना करके, बात तो एक ही फलित हो रही, सब उसमें जाकर मिल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग का उपाय क्यों बताते हो कहते हैं, ठीक है। और यदि अलग अलग ही रहते हैं आपका कहना है, तो फिर एक उनमें मिल गए इसका भाव कैसे खोलेंगे आप, क्या कहा यदि एक हो गए तब भी उनकी सत्ता का नाश पर आ चा गई, और यदि अलग अलग रहे तो मिल गए, ये परिभाषा कहां से लाई तुमने। ऐसे दो पैराग्राफ चलेंगे अभी अलग अलग पॉइंट्स के है ये, तो चलो दोनों पैराग्राफ उनके पॉइंट सहित संकल्प पढ़ो। हाँ अब इससे पूछते हैं कि, हाँ ये सिक्स पॉइंट चलेगा। अब इससे पूछते हैं कि माया ब्रह्म से अलग रहती है, कि बात नहीं हो जाती है। यदि अलग रहती है तो ब्रह्म माया को नित्य हो, तब अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा। और माया ब्रह्म एक हो जाती है तो जो जीव माया में मिले थे देवी माया के साथ ब्रह्म में मिल गए, महाप्रलय होने पर हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर, क्या ख्याल में आ रहा है।
मोक्ष को उपाय किस लिए करिए तो हो ही सकते, लेकिन ओरिजिन पकड़ में कैसे आएगा ये पॉइंट आपको? मैं चाहता हूँ हेडिंग देखकर आपको पकड़ में आए। क्या मायावत ब्रह्म नित्य क्वेश्चन मार्क ऐसा करते हैं, कर लो चलो उसको। मोक्ष को उपाय किस लिए करे ये भी अंडरलाइन करके रखो। हाँ आगे का भी पॉइंट पढ़ो भाई, ये सातवां पॉइंट चलेगा ना। हाँ जो जीव माया में मिले वे पुनः लोक रचना होने का। हाँ अच्छा पॉइंट दिया है, देखो वे जीव जो माया में मिले जब लोक रचना होगी तो यही के यही लोग फिर से जीव सृष्टि के उत्पन्न होते समय तैयार होंगे क्या या नए होंगे? यदि यही के यही होंगे तो मिले नहीं थे, अलग अलग ही थे, और फिर नए उत्पन्न होंगे तो ये तो इनका नाश ही हो गया। अपना अस्तित्व मिटाकर कौन मिलना चाहेगा किसी में? अपना अस्तित्व मिटाना किसको इष्ट है? पढ़ो भाई संकल्प। ठीक है ना, ये मुक्त होने को उपाय करे ये दो, इसलिए मैंने अभी पढ़ते समय ये दोनों पैराग्राफ का निरूपण एक साथ किया था। मैंने कहा दो पैराग्राफ क्योंकि दोनों जगह एक ही बात को उजागर करना है। मुक्ति को उपाय क्यों करेगा? ऊपर क्यों कहा? क्योंकि वैसे ही मिलना है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अस्तित्व ही नाश होगा। अब यहाँ पर कैसे नंबरिंग करेंगे आप सोचो? मुझे तो ये लग रहा है कि ये नेमिंग करते समय आप छठवें ही पॉइंट में ये भी करके डाल दो, और तुम मोक्ष को उपाय किस लिए करे ये कॉमन अंडरलाइन करके डालो, और सब पॉइंट्स में ऊपर लिखो परम ब्रह्म में मिलना ठहरा ही, और यहाँ पर लिखो अस्तित्व। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा आगे बढ़ते हैं अभी कहाँ पर? हाँ बराबर ऐसे ही लिया इन्होंने, और ब्रह्म की भी ऐसी स्थिति समझ लेना, उसमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। क्या कहा समझ में आ रहा? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि माया की स्थिति बस इन्होंने ली है, उसके जीव भिन्न भिन्न रहेंगे क्या अलग अलग, और जब सृष्टि का उत्पाद होगा तब यही आएंगे, कैसे क्या स्थिति होगी? तो कह रहे ब्रह्म में जो भक्त चले गए थे वे उनकी भी ऐसी स्थिति समझ लेना, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है हालांकि, लेकिन उनकी भी ऐसी स्थिति समझो। यदि एक हुए होंगे तो अस्तित्व तो नाशी हो गया, ठीक है, यहां पर तो वो कह नहीं सकते फिर मुक्ति का उपाय क्यों करें? क्यों? क्योंकि वे तो उनका तो पार तिर गए, वे तो, आप समझ गए मेरी बात को, वे तो तिर गए ना, उन्होंने भक्ति करने का फल उनको मिल गया ना, उनके हिसाब से तो भक्ति से ही मुक्ति है, तो वे तो भक्ति की उन्होंने और ब्रह्म में मिल गए, तो फिर मुक्ति का उपाय क्यों करता ये नहीं बताते, बता रहे वे वो तो ये बताएंगे सत्ता तो साफ ही हो गई, यदि न्यारे न्यारे रहे तो सत्ता साफ हुई, और ये यदि इन्हीं को फिर से आना है तो भक्ति करके क्या लाभ हुआ ये तो तब बोला जाएगा, समझ में आता है? और अभक्तों की तो क्या है, अभक्त भले माया में मिल गए और फिर उनको उत्पाद सृष्टि के उत्पाद के काल में फिर उनको उत्पन्न किया गया, तो सृष्टि तो इष्ट जानकर करते हैं, आप समझ गए, तो अभक्तों का अभी इष्ट कैसे जानने लग गए, ये नया तर्क खड़ा हो सकता है, इन्होंने कोई फोकस नहीं किया हालांकि उस पर। आप समझ गए सब मेरी बात को? क्या बोला मैंने बोलो प्रांजल पीछे, प्रश्न क्या था और क्या उत्तर हुआ उसका? बराबर बराबर हाँ नहीं, और क्या लिया अपने? फिर सृष्टि का उत्पाद होगा तो यही की यही आएंगे, तो भक्ति करने का लाभ क्या हुआ फिर इतने काल? फिर परीक्षा दो, फिर परीक्षा दो, अरे एक बार पास हो गया फिर क्यों पढ़ाई करने को कहते हो?
समझ में ये स्थिति होगी, फिर शाश्वत आनंद तो वहां पर भी नहीं रहा। और यदि वो वे ही नहीं आने हैं तो फिर मतलब वो स्थिति फिर खड़ी है, वे अलग अलग बन कर रहेंगे, एक बन कर रहेंगे, स्थिति क्या होगी वहां पर? और माया में क्या घटित करके दिखाया, यदि माया वालों को फिर से वही की वही जीव आएंगे नीचे, तो उनको फिर अभक्ति का कोई दंड नहीं हो कुछ भी। समझ में, सृष्टि को उत्पन्न किया जाता है इष्ट जानकर किया जाता है, फिर इन्हीं का उत्पाद क्यों किया फिर उन्होंने, इष्ट कैसे जानने लग गए उनको, अभक्तों को। ठीक है बैठो। और मूल में तो माया को पुद्गल सिद्ध कर रहे वे, अभी अभी खड़ा करेंगे वे तर्क को, अभी उसको भी लेंगे वे। माया तो पुद्गल अचेतन अमूर्तिक है, क्या कहा, माया तो अचेतन है, मूर्तिक है, पुद्गल है, और उसमें तुम जीव कैसे शामिल हो गए कह रहे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि अमूर्तिक मूर्तिक रूप हो गए, तो अभक्तों को उसमें कैसे शामिल किया? और फिर तुम कहते हो नहीं नहीं, यदि तुम कहोगे नहीं नहीं वो माया तो फिर से इसमें जाने वाली है ब्रह्म में, तो फिर और बड़ी आफत आ गई, मूर्तिक अमूर्तिक में कैसे आएगा फिर से? समझ में आए, ये तो है ही समस्या। इसलिए अभक्त जो माया में मिलते हैं कह रहे हैं इसमें तकलीफ तो दिख ही रही है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ। हाँ पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा, पढ़ो भूपेंद्र। अब मुझे बताना है कोरिलेट करके कहाँ पर देखा था हमने हू बहु पॉइंट। इन्होंने अभक्तों की बात नहीं उठाई यहाँ कुछ भी, आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे। इन्होंने ऐसा लिखा, हालांकि वे माया को तो पुद्गल ही कहते हैं, लेकिन टोडरमल जी साहब ने तर्क युक्ति दे देकर कहा था, क्या कहा था, ये माया पुद्गल कैसे होगी, कौन से तर्क दिए थे याद आ रहा है? माया से तीन गुण के उत्पाद कहा था, रजो तमसो और सात्विक। तो कह रहे ये तीन गुण पुद्गल से कैसे, ये तो चेतन के परिणाम होते हैं, ऐसा बोला था। तो फिर यदि तुम कहोगे ये माया सचेतन है, तो हमारा ये प्रश्न है तो फिर पृथ्वी आदि उसमें कैसे शामिल हो गए? अब अभक्तों की बात नहीं ली, और यदि तुम पुद्गल कहोगे उसको तो अभी भक्तों की बात उठेगी, तो भक्त कैसे शामिल हो गए फिर उसमें, सबको एक कैटेगरी में तुम डालते गए। देखो हमने भी अध्यात्म में अजीव में सबको डाला है कैटेगरी में, अपने सिवाय अन्य जीवों को भी डाला है हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए, लेकिन वे वैसे थोड़ी प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं, वे तो उसमें लीन हो गए इस प्रकार मान रहे हैं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं फिर यदि उसमें मिल गए, यदि वो मान के चली हुए जड़ है माया, और पृथ्वी आदि जो जड़ चीज है वो उसमें समय तो हो सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाद में ये माया ब्रह्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी कह रहे हैं, मूर्तिक अमूर्तिक में कैसे मिलेगा, ये प्रश्न खड़ा किया है। पढ़ो भाई भूपेंद्र पढ़ो। यदि मिलता है तो इसके मिलने से ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतन से मिश्रित हुआ, और नहीं मिलता है तो अद्वैत बना नहीं रहे। और तू कहता है यह सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही है, इसे अज्ञानी किस लिए कहे? ये समझ में आता है, ये सब एक हो जाते हैं मूर्तिक अमूर्तिक, तो फिर क्या क्या रहा कह रहे, भेद विज्ञान नाम की क्या चीज रही, फिर सब संसारी मानते ही है, ऐसा एक मानते ही है। अब ये किसके शरीर का पॉइंट था, कोई बताओ भाई जरा, ये पॉइंट किसके शरीर का था, मैं थोड़ी हिंट करूं आप खोल के दिखाएंगे। पीछे थोड़ा एक ऐसा पॉइंट गया था कि माया से सृष्टि का उत्पाद हुआ, तो वहां पर टोडरमल जी साहब ने प्रश्न पूछा था, माया मूर्तिक है, मूर्तिक से वो पहले तो प्रश्न पूछा था, मूर्तिक से कैसे हुई ये सृष्टि, या मूर्तिक के निमित्त से हुई कैसे हुई पूछा था। तो पूछा था कि माया तो स्वयं किसी एक जाति की है, कंसिडर करिए जैसे सचेतन है तो उसके निमित्त से पृथ्वी आदि कैसे हुए कहते हैं, उससे तो अचेतन से चेतन से अचेतन कैसे होंगे, समझ में रहे? ये कहां पर आया ये पॉइंट, 102 बोल रहे हैं आप, चलो देखते हैं।
102 पुरुष, सातवां पॉइंट कौन सा है भैया? अच्छा वो लिया क्या आपने? देखो मैं 101 में लास्ट देखिए, मैं थोड़ा कुछ पढ़ता हूँ अभी। शरीर अधिक माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है या माया के निमित्त से और कोई उन रूप होता है? यदि माया ही होती है तो माया के वर्ण गंध अधिक पहले पहले ही थे या नवीन हुए है? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म अमूर्तिक है, वह वर्ण आदि कैसे संभव है? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि रहे कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब और पदार्थ तो ठहराता ही नहीं, फिर कौन होगा? ये जो प्रकरण है ना, ये पूरा इससे मिलता जुलता प्रकरण है, मूर्तिक अमूर्तिक वाला। वहां पर बस उत्पाद की बात की थी क्या, मूर्तिक से अमूर्तिक कैसे होंगे अथवा अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे होंगे, वहां पर यह प्रश्न पूछा था। और यहाँ पर ये उसको मिलेंगे कैसे, उसमें इतनी सी बात है, तो मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है 101 बॉटम आई ए, ऐसे मैंने रेफर करके डाल दिया है। तो आप देखिए आप कैसे डालोगे उसको। ठीक है, अबे अंतिम बिंदु, ये प्रकरण खत्म होना होगा अभी। कह रहे प्रलय होगा तो उसमें महेश का क्या होगा? महेश का भी स्वयं मिट जाएगा कि रहेगा? देखो कितने आफत आ गया अभी। यदि तुम कहोगे महेश रहेगा तो सृष्टि का एक अंश है कि नहीं? वो तुम यदि नहीं मिटेगा तो सृष्टि का अंश है कि नहीं? फिर और बाकी के मिटेंगे ये रहेगा, सर्वव्यापी क्यों कहते हो फिर? समझ गए? और मिटेंगे तो आगे पीछे मिटेंगे, एक साथ मिटेंगे, एक साथ मिटेंगे तो कह रहे स्वयं मिटता हुआ दूसरों को कैसे मिटाएगा? अब समझ रहे? अपन कहते ना अनंतर पुरुषनिवर्ती पर्याय कारण और उत्तर पर्याय कार्य, इसमें अपन कितने दूषण दिखाते हैं। कह रहे जो स्वयं अभाव हो रहा है वो दूसरों के सद्भाव का कारण कैसे हो सकता है? समझ में? जो स्वयं जा रहा है, और यहां पर कह रहे जो स्वयं जा रहा है खत्म हो रहा है, कौन? महेश। तो वो खत्म होते समय वो दूसरे ही साथ उसके आगे पीछे कुछ खत्म होंगे ऐसा मानना पड़ेगा कि नहीं? और पहले यदि दूसरों को खत्म किया ऐसा माने तो तब तक उतनी देर के लिए वो कहा रहा कि वो सृष्टि का अंश ही नहीं है, क्या कहना है? पढ़िए अंतिम पॉइंट। चलो कौन पढ़ेगा अभी, कौन रहा? शशांक पढ़ो। फिर पूछते हैं लोक का प्रलय होने पर महेश का प्रलय होता है या नहीं होता? होता है, एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? यदि एक साथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोक को नष्ट कैसे करेगा? आगे पीछे होता है तो महेश लोक को नष्ट करके आपका रहा, आप भी सृष्टि में ही था। इस प्रकार महेश को सृष्टि का संहार करता मानते हैं तो असंभव है। बराबर समझ में आता है? ये अंतिम बिंदु हुआ अभी, उसको उपसंहार के रूप में तीन लाइन से उपसंहार पढ़िए इसका। शशांक पढ़ो। इस प्रकार से व अन्य अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला मानना नहीं बनता, इसलिए लोक को अनादि निधन मानना। ठीक है, ये करने वाला मानना नहीं बनता, ये नास्ति परक अभी तक का पूरा कथन किया टोडरमल जी ने, जहां से उठाए थे ना प्रकरण, ये लगभग कितने 7-8 पेजेस से चल रहा है ब्रह्म विष्णु महेश का। तो कह रहे इन्होंने कोई सृष्टि का कुछ नहीं किया है, तो ये नास्ति परक तो सिद्ध किया, और देर फर ये अनादि निधन है, ये अस्थि परक की सिद्धि अभी प्रारंभ करेंगे। तो आप लिख सकते हो वहां पर अभी तक नास्ति परक शैली चली, अभी इसके बाद अस्थि परक शैली चलेगी लोक के अनादि निधन पने की। अभी तक नास्ति हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं करते हैं, अभी अस्थि चलेगी कि ये अनादि अनंत ही है। हाँ। क्या? हाँ बराबर नहीं लिया उन्होंने, बराबर है। सुनो ये तो मैंने बोला था यहाँ पर नहीं है ना, इसको देखकर ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट भी होना इसलिए जरूरी है कि स्वयं का नाश कैसे कौन करना चाहेगा। आज देखिए अपन उदाहरण के तौर पर समझे, कुछ कहते हैं ना ऐसे मिसाइल्स और ऐसे एम्युनिशंस बनाए हैं अमेरिका वालों ने, कहते हैं कि एक गलती से भी बटन दब जाए तो संपूर्ण विश्व खाक हो जाए। तो मेरा ये प्रश्न भी दबाएंगे क्या कभी उसको?
कैसे क्यों क्यों मेरा प्रश्न उत्पन्न हुआ, स्वयं के भी नाश के प्रसंग बनेगा उनके, समझ में आ रहा है। और यदि एक साथ नहीं होगा, आगे पीछे होगा, तो पहले हम और पहले वे, ऐसे कैसे होगा, समझ में आता है। और फिर पहले वे नाश होंगे और बाद में अपन होंगे, तो फिर तो और भी उनका हीन पुण्य कहा, क्योंकि हम तो ज्यादा जिए उनसे, आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर लेना कि यदि हम मरे हम सब और वे बचे रहे, कौन, महेश, तो कह रहे फिर प्रश्न उठाया है, फिर वो सृष्टि का अंश नहीं है क्या, तो वो तो बिंदु खड़ा ही रहने वाला है। यदि वो माने उसका स्वयं का प्रलय नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान यही दिखते हैं, स्वयं का प्रलय कौन करना चाहेगा, और स्वयं का प्रलय कराना चाहे ऐसा मान भी ले कदाचित, स्वयं का अस्तित्व नाश, तो फिर कह रहे हैं इसका मतलब सब नाश हुए और ये रहा, तो सर्वव्यापी नहीं था, और ये नाश होता है यदि सबके साथ, तो सत्ता का नाश स्वयं के होता है, तो दूसरों को मारने वाला, अपन कहते हैं ना ये आतंकवादी लोग रहते हैं, तो दूसरों को मारने के लिए स्वयं ही ये बम सेट करके आते हैं स्वयं के ऊपर भी, तो अपन कहते कितने पागल है ये लोग, स्वयं की मरने की कीमत पर दूसरों को मारते हैं, और अपन बच्चे दूसरों को मारे, ये तो बात कुछ समझ में आती है, समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार महेश में भी सब लगा लेना, तो कौन सा बिंदु यहां पर नहीं उठा है जो अपन सोच सकते हैं, स्वयं का प्रलय होता है कि नहीं होता है, ये बात इस बिंदु को विचारा जाए थोड़ा सा, इस बिंदु को उठा नहीं है, यहां पर नाश के रूप में ही उसको स्वीकार किया है, ठीक है। लेकिन अपना ऐसा मान के चले स्वयं का नाश कौन होने देना चाहे, लेकिन ऐसे में दूसरी आपत्ति ये होगी, सर्वव्यापी पना कहा था और अंश 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 सब नाश हो गए, तो फिर ये एक अंश ही तो रहा, फिर और क्या रहा, समझ में आया, ठीक है। अब लोग के अनादि निधन पने की पुष्टि, पुष्टि मतलब उसी का पोषण करेंगे, लेकिन अस्थि पर बात को डालेंगे, तो टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से यह समझाया है। देखो यहाँ पर इतनी बड़ी सृष्टि है, ये सभी अनादि निधन है, कोई किसी को बनाता नहीं है, बात इतनी सी है, यहाँ पर उत्पाद वे निरंतर होता रहता है, परिणमन होता रहता है, उसकी तरफ से देखकर कोई भले ही ऐसा कहे उत्पन्न होना और नाश होना, तो हमको हर्जा नहीं है, कह रहे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन विवक्षा बताए द्रव्यार्थिक नए से देखे तो किसी का उत्पन्न नाश किसी का नहीं होता, और पर्यार्थिक नए से देखे तो स्थाई कोई नहीं है यहाँ पर, तो दोनों अपेक्षाएं हम मानते हैं, बोले ऐसे विवक्षा से बताओ तो हमको कोई हर्जा नहीं है, लेकिन द्रव्यार्थिक नए से देखा जाए तो सभी अनादि निधन है और अकृत्रिम है और स्वयं सिद्ध है। टोडर वो कह रहे हैं ऐसा कैसे संभव है, टोडरमल जी साहब कह रहे क्यों तुम्हारा परम ब्रह्म से ऐसा नहीं है क्या, तुम परम ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न नहीं किया मानते थे, तो हम ये कह रहे हम सृष्टि को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया, हम कहेंगे तो तुम दूषण देकर दिखा, समझ में, तुम उनको मानते हो, हम सबको मानते हैं, और जिस हेतु से तुम हमको निषेध करोगे उसी हेतु से हम तुम्हारा निषेध करेंगे, फिर तुम कोई स्ट्रांग हेतु दिखा, प्रबल हेतु, जिससे तो अनादि निधन जो सृष्टि है वो संभव नहीं बैठती है, तो दिखा हमने इतने तर्क युक्तियों से तुम्हारा खंडन किया कि कोई बना था मिटा था नहीं है, अब तुम एक हद तो तर्क देकर दिखाओ कि जिससे अनादि निधन नहीं सिद्ध होती है सृष्टि, हमको तो स्वयं सिद्ध ही नजर आती है, तुम कहोगे परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे ये सभी स्वयं सिद्ध ही है, समझ में है। बस कुछ कुछ द्रव्य ऐसे है जो अपरिणामी है, कह रहे हैं जैसे द्वीप है समुद्र है, अपरिणामी मतलब वैसी के वैसी पर्याय होने वाले, स्वभाव इंजन पर्याय के धारक है, ऐसे प्रकृति में नाना चीजें है कि जिन जिनका उत्पाद भी, मतलब किसको लेंगे अभी, जीव और पुद्गल, और जीव और पुद्गल में भी पुद्गल वैभाविक परिणमन वाले होते हैं, और जीव में भी जो सांसारी है उनका तो पाया जाता है उत्पाद वे, कह रहे इसमें कोई बात नहीं है, तो अनादि निधन ही है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, और जो अनादि निधन होता है वहां पर तर्क कैसा, वहां पर कारण कैसा, ऐसा एक प्रकरण भी प्रारंभ में आ गया है, कौन सा प्रकरण आया है, पहले मतलब अपने ने देखा है उसको, दूसरे अध्याय में आया है, वहां पर कहा है जीव और कर्म का संबंध है वो अनादि का है, तो फिर अनादि कैसे कैसे कहां से लाया, जो अनादि होता है उसमें तर्क नहीं चलता, और कारण हो तो अनादि सिद्ध नहीं होते, कह रहे अनाई संबंध हो
ठीक है, एक गाथा बार बार ख्याल में आ रही है, स्वयं सिद्धो, ऐसा जो शब्द टोडरमल जी साहब ने यहां प्रयोग किया है वो गोमटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा का है। पयड़ी सील सहावो जीवंगाणम अणाय संबंधो कण यो अले मलम वा ताण थितम स्वयं सिद्धम। स्वयं सिद्ध है सभी, वहां का शब्द यहां पर लिया है। पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ते चलो, मैं जहां तक कहूंगा वहां पर वहां तक वेट नहीं करना। लोक के अनादि निधन की पुष्टि कौन रहा है अभी पढ़ने में? चिन्मय, पढ़ो भाई, बहुत देर पढ़ रहे हो सूक्ष्मता से, क्या बात है, रट रहे हो गया सब एक एक शब्द? इतना नहीं रटना है भैया, भाव समझना है। हाँ, क्योंकि वे एक ही हेतु देते हैं वे लोग, कार्यत्वात्, कार्य हेतु कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा कारण होना चाहिए ऐसा तुम कैसे बोले, उसका कोई तर्क दिखा। कार्य होगा तो कोई कारण होगा, ये तो हम भी मान रहे हैं। क्योंकि अनादि से ही पाए जाते हैं, वहां तक कैसा, जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि नहीं मानता है, उसी प्रकार उन जीवादि को स्वर्गादि को अनादि नहीं मानते हैं। तू कहेगा जीवादि को स्वर्गादि कैसे हुए, हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुआ। रचना ऐसे किसने की, हम कहेंगे परम ब्रह्म की, परम ब्रह्म को ऐसा किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादि को स्वर्गादि स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है, तो संभावना में दूषण बदला। ठीक है, समानता कैसे संभव, मतलब वो क्या कहेगा, परम ब्रह्म तो विशेष कोई चीज है और बाकी पेड़ पत्थर को तो वो चेतन ही बनाएगा। तो कहते ये जो तुमने तर्क दिया है, चेतन है चेतन को बनाएगा, हम उल्टा तर्क दे सकते हैं, अचेतन चेतन को बना सकता है, कि तुमने नहीं बोला क्या माया सब सृष्टि की रचना करती है, तो अचेतन चेतन को नहीं बनाता था क्या, तो तुमको भी हम ये कहेंगे तुमको भी किसी ने ही बनाया है। अब जानते हो ना डार्विन थ्योरी क्या थी, डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, वो क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं डार्विन के पहले किस, और एक बंदर से इंसान बोला है, नहीं ये कौन बोल रहा था कि वो पानी बरसा और पानी बरसने में ऐसे जीव टपक गए और जीव की उत्पत्ति हो गई, ये नहीं ख्याल में आपको? अरे भाई हमने साइंस में पढ़ी ये चीज, हमने साइंस में चीज पढ़ी और टॉपिक भी था इकोलॉजी, टॉपिक था इकोलॉजी और उसमें एक साइंटिस्ट ने सिद्ध करके दिखाया, ये वे ये मानते हैं पानी बरसता, ये समूर्चन जीव कहाँ से आते, पूछा तो कहते हैं ये जैसे उन्होंने कहा मेंढक आदि है, ये तो जब पानी बरसता है ना उसके साथ टपक जाते हैं, हमको दिखते नहीं है कह रहे, और फिर बड़े होते हैं। तो मतलब ये साइंस ये मानता है कि अचेतन से चेतन हो रहे हैं, तो हम भी ऐसा कोई माने क्या कि फिर परम ब्रह्म को भी अचेतन ने बनाया, तो चेतन ही अचेतन को बना सकता है, इसमें तू तर्क दिखाना कुछ, नहीं तो हम कह रहे अचेतन ने चेतन को बनाया ले बस, और तो फिर तुम तो संदेह कर दिखाओ फिर, और फिर नहीं बन सकता तो फिर हम कह ही रहे कोई किसी ने बनाया ऐसा बोले ही मत, सब स्वयं सिद्ध है। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, यदि तू परम ब्रह्म मानता है तो अलग कोई वस्तु थोड़ी है, वो कह रहे इन्हीं जीवों में से तो वे उठकर वितरागी सर्वज्ञ हो गए हैं, उन्हीं को परम ब्रह्म कहते हैं। ये जैनियों का यहाँ पर अभी पहली बार लाइन लिखी है इन्होंने, अभी तक बात भी नहीं की थी, ये तर्क सब तर्क युक्तियों से अभी दाव पेच चली अभी, और इतना सब होने के बाद अभी बस जैनियों का भी सीधा नाम नहीं ले रहे, कह रहे परम ब्रह्म कौन सी चीज है, बोले यही से जो वितरागी सर्वज्ञ होते हैं उन्हीं को कहने लगते हैं बाद में। हाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए। ठीक है, फिर याद आती है वो लाइन, गृहस्थ पना त्याग कर, मतलब अपने से ही कोई हुए है वे ऐसे ही थोड़ी कोई अनादि निधन थोड़ी होते है। हाँ पढ़िए, प्रश्न है
अनादि धर्म कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहां नियादि निहारे कैसे संभव है? उसने प्रश्न पूछा है कि मुक्त होने के बाद तो निराकार होते हैं, ये तो पक्का है, तुम न्यारे न्यारे कैसे रहे? क्योंकि हम न्यारे न्यारे सत्ता तो अभी भी मानते हैं। टोडरमल जी साहब कहते, देखो जैन दर्शन में माना है सब लीन होते हैं, उनमें माना है, हमने भी किसमें परम ब्रह्म में, क्या बात करते हो, हाँ माना है ना, लीन होते मतलब क्या, लीन होते मतलब अरे एक क्षेत्र में असंख्य जीव जाकर बसते हैं, कह रहे और सब एक हो जाते, सब भगवान एक ही है, अरे हमारे भगवान अनंत है, नहीं नहीं हम भी भगवान एक ही मानते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा को हो तो ऐतराज नहीं है, कह रहे जाति अपेक्षा हम भी भगवान एक ही मानते, वितरागी है क्वालिटी तो उसकी, तो कह रहे सत्य न्यारी न्यारी होगी, और कह रहे निराकार की जो बात है वो तो कहते हैं मूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण की तरफ से निराकार बोलते हैं, वैसे प्रत्येक द्रव्य साकार ही रहता है, यदि सर्वथा निराकार कहेंगे हम तो तू बतला, कह रहे सर्वज्ञ ने उनको जाना कि नहीं जाना अनंत के रूप में, यदि जाना तो कुछ ना कुछ आकार देखा कि नहीं, आकार मतलब जो आंखों से दिखता वो वाला नहीं, प्रदेशत्व गुण की परे ही है साकार वाला। पढ़िए और खत्म करिए पूरे प्रकरण को, दीपेश पढ़, चलो दीपेश। हाँ यह प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है, तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि नहीं करते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे न्यारे कैसे जाना? उसका ये कहने लीन हुआ कहो, वो ऐसा ही मानता है ना, आज तक पहले न्यारे न्यारे थे और पहले भी न्यारे न्यारे, कहाँ मानता है एक से अनेक हुए और अनेक से एक हुए, ऐसे तो मानता रहता है वो। बराबर, यदि वृथाई हमसे सच छूटकर निर्णय ना करे तो तू जाने पर अपनी श्रद्धा का फल तू पाएगा। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने, बहुत उनको इतना ऐसा हुआ है, वो कैसे समापन किया उन्होंने, तू तेरी जाने फिर हमने इतना समझा। इन्होंने दो अपेक्षा से इस प्रसंग प्रकरण की चर्चा की है, अनादि निधन पने की, एक तो होने की अपेक्षा और एक तो मुक्ति की तरफ से भी चर्चा की है उन्होंने, मुक्त होने के बाद भी भिन्न भिन्न रहेंगे ऐसा आपको ज्ञान में चाहिए, दो तरफ से चर्चा को उठाया है। अनादि निधन कहने में वे अनादि की तरफ भी संकेत कर रहे हैं, किसी ने बनाए नहीं है, और अनिधन की तरफ से भी ये संकेत करें मुक्त होने के बाद भी इनके सत्ता न्यारी न्यारी होगी, ना उसमें से आए हैं कोई ना उसमें जाएंगे, और उसमें जाएंगे जिनका कहना है उसमें जाएंगे मतलब उस स्वरूप में जाएंगे वितराग स्वरूप में, तो जातीय का अपेक्षा कुछ कहते हो तुम तब तो हम स्वीकार भी करें, अन्यथा तो स्वीकार नहीं है हमको। ओम नमः।